शाम में आपको कैसा लगा यहाँ पर आइए, और फैशन शो और फैशन इशू है जो कि यहाँ पर आपको कैसा लगा? मुझे आके बहुत अच्छा लगा. थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी एज अ गेस्ट. एंड NSIM Academy इज़ डूइंग सो वेल. इट इज़ सो लवली टू वॉच ऑल द स्टूडेंट्स कमिंग अप विद देयर क्रिएटिविटी एंड न्यू इमेजिनेशंस. या सो हमारी अकेडमी है, हमारा क्लिनिक भी है. सो तंत्रास ब्यूटी एंड हेल्थ वेलनेस is what we represent, and I work for my mom and dad. This is my mom, and I personally handle makeup artistry and cosmetology department. We also have spa, homeopathy and trichology sectors in it, and we are also helping students and people who especially cannot afford such expensive courses. We are working for them. We have got our expenses and our fees really very low for them, because we are hunting for talent. And trust me, city ho ya fir rural life ho, there are so many people who are so talented jinko fashion industry or beauty industry mein bahut zyada kaam karna hai. So that is why I think we all are here and we are supporting such students. आज इस NSIM Academy के शो में आकर मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है. एंड आई एम प्रिविलेज टू बी अ पार्ट ऑफ दिस इवेंट. यहाँ के बच्चों के परफॉर्मेंसेस देखे बहुत अच्छा लग रहा है. एंड इट शोज़ अ काइंड ऑफ पैशन दैट द किड्स आर फॉलोइंग. कि मुझे यही लगता है कि जो भी चीज़ आप दिल से चाहें पैशन से करें वो ज़रूर पूरा होगा. और यहाँ इस इवेंट में सब कुछ बच्चे अपने हिसाब से कर रहे हैं, और द लुक ऑन द पेरेंट्स एंड द इंस्टीट्यूट एंड द टीचर्स आर रियली अमेजिंग. नमस्ते, मेरा नाम है भावेश परमार और मैं हूँ डायरेक्टर AMS प्राइवेट लिमिटेड का. और मेरे साथ में है नितेश मुले जो कि डायरेक्टर है टाइगर प्राइवेट लिमिटेड के. वी आर दी एडवाइजर्स फॉर NSIM Academy. एंड आज आके बहुत अच्छा लगा. जो भी हमने इतने सालों से मेहनत की है आज रंग ला ली है. सो बच्चे लोग का काम देख के, जैसे आप सभी ने देखा रहेगा, जो इंटीरियर वाले बच्चों ने जो काम किया है, इवन फैशन वाले बच्चों ने जो काम किया है, वेरी इंस्पायरिंग, वेरी गुड. एंड NSIM के बिहाफ से आप सभी को इतना ही कहना चाहूँगा, इट इज़ ओनली अ बिगनिंग. आगे और भी बहुत सारी चीज़ें आपको दिखेगी, बहुत सारे फैशन डिज़ाइनर्स, बहुत सारे इंटीरियर डिज़ाइनर्स आपको मिलने वाले. एंड वील डेफिनेटली मेक द कंट्री प्राउड. हाई, दिस इज़ नितेश मुले, डायरेक्टर ऑफ टाइगर प्राइवेट लिमिटेड. और NSIM Academy ने आज बहुत अच्छा इवेंट, सक्सेसफुल इवेंट किया है, और आशा करते हैं कि ऐसे सक्सेसफुल इवेंट्स वो आगे भी करते रहे, और हमारे बेस्ट विशेस उनके साथ हमेशा होंगे. थैंक यू. गुड इवनिंग एवरीवन. सबसे पहले तो मैं एक एक्सरसाइज योगा इंस्ट्रक्टर, डांसर, एंड डूइंग माय ओन वर्क रिगार्डिंग द मॉडलिंग, ग्रूमिंग द मॉडल्स, ये सब करती हूँ. और ये इवेंट बहुत ही अच्छा चल रहा है. सारे स्टूडेंट्स अपना जो वर्क, अपना जो डिज़ाइनर्स हैं, ये लोग बहुत ही अच्छा अपना अपना बेस्ट दे रहे हैं. मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है. आपने इस शाम को किया और हाल में भी आपके कुछ अवार्ड है, मेरे ख्याल ऑनर किया गया है. इसके बारे में कुछ बताइए और थोड़ा एक इंट्रोडक्शन दीजिएगा. मैं कृति दास हूँ, और मैं ब्रांड कृतृष्णा ओन करती हूँ, जो कि बिलीव करता है हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट सेक्टर को प्रमोट करने का, उनके साथ काम करने का, और अच्छे रेडी टू वेयर डिज़ाइंस आप लोगों तक पहुंचाने का. मेरा ये एक स्टार्टअप ब्रांड है, सो आई बिलीव कि ये धीरे धीरे ही सही बट आगे बढ़ेगा. और मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लगा, बिकॉज़ यहाँ पर काफ़ी यंग डिज़ाइनर्स हमारे तरह जो अभी आके फ्यूचर में एस्टैब्लिश होने वाले, कोई एंटरप्रेन्योर बनेगा, कोई कहीं ना कहीं एक इंडस्ट्री में काम करने वाला है. सो उनका काम देख के आई बिलीव कि वो बहुत आगे तक जाने वाले हैं. एंड उसके हार्डवर्क के लिए आई रियली अप्रिशिएट एवरी स्टूडेंट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ सारे लाइक NSIM Academy के फैकल्टीज़ को, एंड स्पेशली आयुष और नीरू मैम को. एंड सारे स्टूडेंट्स ने लाइक दे हैव डन अ वेरी वंडरफुल जॉब, एंड उनके कलेक्शन सारे एक्साइटिंग और वंडरफुल हैं. सो उस चीज़ के लिए अब ह्यूज कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल द स्टूडेंट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू इन्वाइट मी हेयर, एंड द इवनिंग वॉज वेरी फंटेस्टिक, एंड
मैं यहाँ पे एज ए इंटीरियर जूरी आया हूँ, तो जो बच्चों ने काम किया है वो मेरे को दिखाई दे रहा है और आगे फ्यूचर में बहुत अच्छा काम करेंगे। सो पहली बात तो मुझे बहुत अच्छा लगा, ये लोगों ने मुझे इस लाइक समझा एंड आई एम हियर टुडे। एज आई सेड आई कॉन्ट टॉक मच। और रहेगी बात इवेंट की, तो जो आयुष और नीरू मैम ने किया, इट्स अ वंडरफुल जॉब दे आर डूइंग। काफ़ी स्टूडेंट्स की क्रिएटिविटी देखी मैंने उसमें, काफ़ी कलेक्शंस थे, जैसे बनारसी थीम था, देर वॉज अ थीम ऑफ मधुबनी, सम सिंदूर का थीम, वॉज वंडरफुल। मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं था, अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए, बट फिर भी आई वुड लाइक टू थैंक NSEM, माई पेरेंट्स एंड माई फ्रेंड्स। बहुत ही अच्छा लगा एंड सभी ने बहुत ही अच्छी मेहनत की है, सो विनर कोई एक नहीं होता, सब होते हैं, बट थैंक यू NSEM। इट वॉज एन ऑनर टू बी एन बी अ स्टूडेंट फ्रॉम NSEM एंड आई एम रियली ब्लेस्ड टू हैव दिस अवार्ड। थैंक यू NSEM फॉर द अपॉर्चुनिटी। थैंक यू। शो तो काफ़ी अच्छा था एंड बच्चे लोग ने बहुत मेहनत की अच्छे से, इवन दी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स दे वर रियली टैलेंटेड, उनका भी मतलब आउटफिट्स बहुत काफ़ी पसंद आया एंड इवन दी फाइनल ईयर स्टूडेंट्स एंड ग्रेजुएशन सब बच्चों का मतलब डिटेलिंग्स भी काफ़ी अच्छा था ग्रेजुएशन बैच का। सो आई रियली लव द आउटफिट एंड द डिज़ाइनिंग एंड इवन द स्टाइलिंग पार्ट। सो ओवरऑल इट वॉज ए गुड एक्सपीरियंस हियर। मैं ना दौर गया, हमने लाइक बहुत मेहनत की। एक चीज बोलो तो ये टीम वर्क था। एग्जैक्टली थोड़ा मतलब अभी ये नहीं बोल सकते कि जैसे बोलते पांच उंगलियां सेम नहीं होती, वैसे कुछ छोटी कुछ बड़ी होती है, जैसे कि थोड़ा कम ज्यादा हुआ टीम में, सब लोगों ने एक साथ को समझा, अंडरस्टैंड किया, हेल्प किया, वी हेल्प ईच अदर, वी अंडरस्टूड, वी रेज ईच अदर टुगेदर, वी डिड एवरीथिंग, मीन्स बहुत मेहनत किया, दिन रात मेहनत की, मैं जब लिटरली दो दो घंटे की सिर्फ नींद लेके हम लोगों ने एक काम किया है एंड लाइक पूरा दिन घर पे रहना एंड जस्ट सेट के सामने बैठे रहना। हम घर पे भी नहीं थे, मतलब सेट बना रहे थे, सेट बना रहे थे, खुद का घर छोड़ दिया था हमने कुछ टाइम के लिए। हम सब लोग NSEM को थैंक यू बोलेंगे फॉर दिस अपॉर्चुनिटी एंड हमारे फैकल्टी, यस यस एंड ऑफ कोर्स आवर मेंटर, यस मेंटर पल्लवी मैम, दे हेल्प अस अ लॉट, बहुत हेल्प किया उन्होंने, मतलब मिनट मिनट पे वीडियो कॉल किए, जब जरूरत लगे तब फैमिली को छोड़कर आना एंड पूरा दिन रहना, फैमिली के लिए भी डिफिकल्ट, बिग डील, दैट वाज अ बिग डील, बट वी डिड इट एट लास्ट, या वी डिड इट एंड विल थैंक्स। डे वन से सोचा था ये लेंगे आज और लेके यहां पे खड़े हैं। एग्जैक्टली, यस। फर्स्ट आई वुड रियली लाइक टू थैंक NSEM एकेडमी फॉर प्रोवाइडिंग मी सच ग्रेट अपॉर्चुनिटी and it's my first year and I'm still in the progress to become the best designer, but as in first year I'm the best designer of the first year. Good evening everyone, and NSEM academy ne aaj jo annual show kiya hai that was really amazing. Unke students ki designs were also very amazing and the way in which they all have done their work, that was really appreciable. And once again, that NSEM Academy has turned out into a very good institution wherein, you know, they are giving upcoming budding designers in a very professional way. Thank you so much. इवेंट बहुत अच्छा था, बच्चों ने जो मेहनत की थी, यानी कि लास्ट सिक्स मंथ से जो मेहनत कर रहे थे, आज वो यहाँ देखने को मिली और सभी लोगों ने उनको बहुत अप्रिशिएट किया। स्पेशली मेरे को तो बहुत अच्छा लगा क्योंकि मेरे यहाँ से सीखे ऐसा नहीं है, बट जो बाहर से लोग तारीफ करते तब अपने को लगता है कि नहीं, एक्चुअल में जो हम सिखा रहे वाकई में सही सिखा रहे हैं। तो उनके पेरेंट्स यहाँ पर आए, पेरेंट्स ने अप्रिशिएट किया, उनके फ्रेंड्स आए, फ्रेंड्स ने अप्रिशिएट किया, तो हमें बहुत अच्छा लगा। आई गेस फर्स्ट ऑफ ऑल सबको नमस्कार, माय नेम इज़ आयुष जैन। तो आपने जैसे कि पूछा कि कितने उत्सुक हूँ मैं और मेरे वर्ड्स क्या है, तो सबसे पहली बात तो मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं है मेरे स्टूडेंट्स के लिए। जो उन लोग ने डिज़ाइंस किए हैं, जो शो ऑर्गेनाइज हुआ है, सिर्फ ये अकेले मेरे और मैम की मेहनत से नहीं हुआ है, हमारी पूरी टीम रिसेप्शन से लेके काउंसलर से लेके मार्केटर्स से लेके प्लानर्स से लेके मॉडल्स मेकअप ईच एंड एवरीवन, हर एक
बंदे का उतना ही योगदान है जितना हम दोनों का है. तो ऑल क्रेडिट्स टू देम. इसमें मेरी अगर इतनी मेहनत नहीं भी होगी तो ऑल क्रेडिट्स टू ऑल माई टीम मेम्बर्स जिन्होंने इवेंट सक्सेसफुल किया है.